हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 1 ई परिमेय संख्याएं। बच्चों, हम प्रगुण के बारे में तो समझ ही चुके हैं, जैसे संवरक प्रगुण, क्रम विन्मेय प्रगुण, सहचर्य प्रगुण क्या होता है ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये परिमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया पर भी लागू होता है। अब बच्चों, हम परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण भी समझेंगे और इस अभ्यास में उसका प्रयोग भी करेंगे और जानेंगे काम कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखो, परिमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया के प्रगुण में संवरक प्रगुण, क्रम विन्मेय प्रगुण और सहचर्य प्रगुण को भी हम बारी बारी से समझ चुके हैं। इसको हम काम करते करते और भी सीख जाएंगे। अब हम सीखते हैं परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। ठीक है बच्चों? बच्चों देखो, आप इसको ऐसे समझो, जैसे 4 गुणा, अब ब्रैकेट में 5 प्लस 6 ब्रैकेट बंद, बराबर 4 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 6। जब इस तरह की हमारे पास कंडीशन होती है, तब हम इसको दोनों को जोड़ करके, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, दोनों को जोड़ करके भी गुणा करके जो आंसर निकालेंगे वही किसके बराबर होगा कि बारी बारी से हम बाहर की संख्या का अंदर की संख्याओं में गुणा करें, प्लस लगाएं, फिर दूसरी संख्या में गुणा करें, वो जो आंसर हमें मिलेगा वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ही होगा। यही वितरण प्रगुण है बच्चों। बच्चों अब हम अभ्यास 1 ई के कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है? अब बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तब इसमें है 2/-5 की गुणा करनी है 3/4 की, और ये किसके बराबर है? 3/4 की गुणा जब हम 2/-5 में करेंगे। तो बच्चों ये आपको समझ में आ रहा है, ये संख्या इधर दूसरी संख्या बन गई और यहाँ जो दूसरी संख्या है वो इधर पहली संख्या बन गई। हमें क्या पता चलता है? ये क्रम विन्मेय प्रगुण को लागू करेगा। तब हमने इसकी गुणा की तो माइनस है, यहाँ तो माइनस आ गया, 2/3 फिर 5/4 यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस में आ गया। अब इधर देखो, 3 की गुणा जब 2 में करेंगे तो 3/2 इधर भी जब 4 की गुणा 5 में करेंगे तो 4/5 ठीक है। अब हम ये माइनस माइनस काट देते हैं। ठीक है? अब क्या हो गया? 6/20 = 6/20 ठीक है। तो यहाँ जो आंसर है वही यहाँ भी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, इसका मतलब ये सत्य कथन है। अब बच्चों इसको देखो, बड़े ब्रैकेट में 2/-3 की गुणा 1/5 में की है, फिर बाहर गुणा की गई है 2/7 से। ठीक है, अब यहाँ पर ये पहली संख्या को बाहर कर दिया है 2/-3 गुणा, अब अंदर में ये जो बाहर संख्या ले ली थी उसको अंदर ले लिया है, बड़े ब्रैकेट में 1/5 गुणा 2/7। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे हम इसकी ये माइनस से माइनस ये हट जाएगा, 2 × 2 = 3/5 = 15 अब गुणा करेंगे 2/7 में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 2×2 = 4 और ये माइनस का निशान आ जाएगा और 15 × 7 = 105। इसको देख लो, 2/-3 इसकी गुणा हम इसमें करेंगे 1/5 गुणा 2/7 इसमें करेंगे। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, इधर देखो, 2 की गुणा इसमें की तो 2/7 = 35 आया। ठीक है, अब इनकी आपस में गुणा हो जाएगी, यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया, 2×2 = 4 और 3 की गुणा जब 35 में की तो 105 आया। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमारे सहचर्य प्रगुण को सत्यापित करता है इसलिए ये भी सत्य हो गया। ठीक है, अब तीसरा देखो, 3/4 और 5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है, तो 3/4 की गुणा जब 5/7 में की तो 5 × 15 = 7/28 आ गया, तो ये भी तो एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये असत्य है। ठीक है बच्चों? अब बच्चों ये चौथा प्रश्न है, बड़े ब्रैकेट में 7/-8 को जोड़ा गया है 5/6 में। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद, इस पूरे की गुणा फिर 3/4 में की गई है। अब बराबर में क्या किया गया है, बराबर के इधर क्या रखा गया है, पहली परिमेय संख्या से भी इसकी गुणा कर दी, प्लस लगा के दूसरी परिमेय संख्या से भी इसकी गुणा कर दी, तब कह रहे हैं क्या ये बराबर होगा?
तो गुणा करके देख लो, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। अब तो एलसीएम निकालना आपको आ ही गया होगा। अब 8 में कितने की गुणा करें कि ये 24 हो जाए, और हमें ये माइनस भी हटाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 की गुणा भी करेंगे और माइनस 1 की गुणा भी करेंगे, ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 7 21 बटे माइनस माइनस प्लस हुआ 8 24, ठीक है। अब इसको देखो, 6 कब मेरा, ये 6 कब मेरा 24 के बराबर होता है, जब 4 की गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस का निशान नहीं है ना, तो इसमें सिर्फ 4 की ही गुणा करेंगे, माइनस 5 × 4 बटे 6 × 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस का 20 बटे 6 × 24, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, अब हर बराबर हो गए ना, अब इनको जोड़ दो, माइनस का 21 और माइनस का 20, तो निशान तो माइनस का आएगा और क्या हो जाएगा, 20 और 21 41 बटे 24, ठीक है। अब इसकी गुणा किस में करनी है, 3/4 से, तो 3 के पहाड़े से 24 कट जाएगा, 3 × 3 3 × 8 24, कितना हो गया, माइनस 41 बटे 8 × 32, ठीक है। अब बच्चों इधर देखो, अब परिमेय संख्याओं को बारी बारी से गुणा कर दी है 3/4 से और तब जोड़ा गया है, ठीक है। तो हम भी करते हैं, 7 21 बटे माइनस 8 × 32, इधर 3 से काट देंगे, 3 × 3 3 × 6 सरल कर दिया। अब माइनस 5 × 5 माइनस का 5 और 4 × 8। अब बच्चों हमें समझ में आ रहा है 8 मेरा 32 कब हो सकता है, अब हमें जोड़ना है ना, गुणा तो हमने कर ली, जब हम इसमें 4 की गुणा करेंगे, और इधर माइनस कब हट सकता है, जब माइनस की गुणा ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 21 × -1 बटे -32 × -1, इधर -5 × 4 बटे 8 × 4। अब देखो ये माइनस का 21 × 21 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 32 × 32, इधर माइनस का 5 × 20 बटे 8 × 32। अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना, तो माइनस 21 में माइनस 20 जोड़ेंगे तो माइनस का 41 आया बटे 32, तो ये सत्य है। ये बच्चों वितरण का नियम है, ठीक है। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए कि ये सत्य है। तो देख लो, 2/7 गुणा ब्रैकेट में -11/8 और इधर -11/8 गुणा 2/7, इनकी अगर काट सकता है तो काट दो, तो 2 × 2 2 × 8 कितना हो गया, -11 × 11 माइनस का 11 हो गया, 7 × 28। इधर भी देखो, इसको भी अब सरल कर सकते हैं, 2 × 2 2 × 8 तो -11 × 11 बटे 7 × 28। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर मेरे राइट हैंड साइड, तो क्रम भिन्न में प्रगुण को सत्यापित करता है ना, तो ये सत्य है। दूसरा देखो, -8/9 गुणा 15/17 बराबर 15/17 गुणा -8/9। यहाँ पे कुछ सरल हो सकता है, 3 से करते हैं सरल, 3 × 3 9 3 × 5 15, ठीक है। तो कितना हो गया, -8 × 5 माइनस के 8 × 5 40 बटे 17 × 51, ठीक है। अब और सरल नहीं हो सकता, इधर भी ऐसे ही कर लो, 3 × 3 9 3 × 5 15, तब माइनस के 8 × 5 40 बटे 17 × 51। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और ये भी क्रम भिन्न में प्रगुण को सत्यापित करता है, ये भी सत्य हो गया। बच्चों ये देखो तीसरा है, -8/7 गुणा बड़े ब्रैकेट में 1/2 गुणा -4/3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इधर अब बड़े ब्रैकेट में ये पहली परिमेय संख्या को अंदर ले लिया और लास्ट वाली परिमेय संख्या को बाहर कर दिया, ठीक है। अब हम करके देखते हैं, -8/7 पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 2 × 2 2 × 4 सरल किया, अब माइनस के 2 × 2 3 × 3, ठीक है ये आया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 × 16/7 = 21, ठीक है, क्या हो गया, 16/21। अब इसको देख लो, अब पहले इसको हल करेंगे, ठीक है, -8 पहले इसको सरल कर लो, 2 × 2 2 × 8, अब माइनस के 4 × 4 बटे 7 × 7। अब बाहर वाली संख्या से भी गुणा कर लो, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 × 16 बटे 7 × 21। ये भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब बच्चों यहाँ पे सहचर्य प्रगुण को सत्यापित करता है, तो
ये भी सत्य हुआ। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। तब पहला है 2/11 गुणा ब्रैकेट में -3/7, है ना। अब इधर बराबर करके इधर लिखा है -3/7 गुणा। अब बच्चों बराबर तभी होगा जब इधर जो संख्या होगी वही इधर भी होगी, ठीक है। तो हमारी ये तो आ चुकी है, ये नहीं आई है, ये हमारे रिक्त स्थान में अब आ जाएगी। ये कौन सा नियम है? क्रम विनिमेय प्रगुण का नियम है। इसको देखो, पहले रिक्त स्थान है, फिर बड़े ब्रैकेट में 2/3 गुणा 3/-2, ठीक है। अब इधर देखो, अब यहाँ पर हम जब देख रहे हैं 3/-2 को बाहर कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ दूसरी संख्या कौन सी है? हाँ, 2/3, ठीक है। ये कौन सी होगी? 2/3। अब ये जो अंदर ले ली है यही बाहर होगी यहाँ पे, है ना, -11/3। ये हमारा कौन सा नियम है? सहचर्य प्रगुण का नियम है ये, जो परिमेय संख्याओं में लागू होता है, ठीक है बच्चों। अब इसको देखो, -5/7 इसके गुणा की गई है और यहां रिक्त स्थान है, प्लस के साथ -4/7 है। अब यहां पर -5/7 की गुणा 2/5 से कर दी और प्लस का निशान लगा दिया, फिर से रिक्त स्थान आया और गुणा की गई है -4/7 से, ठीक है। तो ये हमें क्या दर्शा रहा है? इसकी हमें गुणा दोनों में करनी होगी, क्योंकि ये ब्रैकेट में पहले बाहर था, अब वो बारी बारी से हर एक परिमेय संख्या से गुणा किया जा रहा है, ठीक है। तो -5/7 की जब इससे गुणा किया, प्लस को बाहर ले लिया है, तब यहाँ पे भी हमें -5/7 से गुणा करनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी परिमेय संख्या होगी? 2/5, 2/5, ठीक है। आया ना समझ में? ये इसके साथ भी गुणा होगी और इसकी इसके साथ भी गुणा होगी, यही तो वितरण प्रगुण है, ठीक है बच्चों। अब चौथा प्रश्न है, सरल कीजिए। -3 -10/9 -18/-5 -1/-6। तो हमने क्या किया, सबको पहले एक साथ ले लिया और सभी के बटे कर दिए, यहां बटे नहीं है ना, तो बटे एक, ठीक है। ये सभी हमने नीचे लिख लिए और अंश को हमने ऊपर लिख लिया, ठीक है। अब हम सरल कर देंगे, कैसे? 9 × 9 = 9 × 18, ठीक है। अब 2 × 2 = 2 × 3 = 6। अब ये 3 × 3 = 3 × 3 = 3। अब ये माइनस से माइनस हट गया, ये माइनस से ये माइनस हट गया, इसको भी करो 5 × 5 = 5 × 2 = 10। अब हम देख रहे हैं ऊपर सिर्फ माइनस बचा है और 2 बचा है, नीचे सिर्फ 1 ही है, तब क्या हो जाएगा? माइनस का 2 आंसर आ जाएगा, बटे 1, फिर 1 को लिखा नहीं जाता, इसलिए इसका आंसर है -2। अब इसको देखो, -1/-9 × 3/20 × -4 × 6/-5। अब हम यहीं पे इसको कर देते हैं, बटे 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको सरल कर दो, पहले हम माइनस माइनस हटा देते हैं, ये माइनस से ये माइनस हटा दिया। अब सरल करते हैं, 3 × 3 = 3 × 3 = 9, ठीक है। 4 × 4 = 4 × 5 = 20, फिर से 3 × 3 = 3 × 2 = 6। अब ऊपर क्या बचा? 2, और नीचे क्या बचा? 5 × 5, तो क्या हो गया? 5 × 5 = 25, इसका क्या आंसर आया? 2/25, ठीक है बच्चों। आया समझ में? यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूंगी। बेस्ट ऑफ लक।